नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे हैं। आज मैं बात करने जा रही हूँ सात ऐसे पौधा जो घर के लिए शुभ होता है। तो मैं सबसे पहले एक नंबर में रखती हूँ तुलसी जी को। ये पौधा सबका घर में होना ज़रूरी है। हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार इसको डेली पूजा करना चाहिए, पूर्व दिशा में रखना चाहिए और निजे रहने से नकारात्मक आत्मा दूर होता है, घर का वास्तु दोष दूर होता है। दो नंबर में मनी प्लांट, ये तो बहुत शुभ पौधा है, सबका घर में रहता भी है। ये बेलरुमा पौधा होता है, इसको लगाने का बाद एक ठो कुछ सहारा दे दीजिए तो ये ऊपर तरफ चढ़ते रहता है। इसका बहुत सारा वैरायटीज आता है, उसमें कोई भी वैरायटी आप ले आइए और अपना घर में लगा लीजिए। लिविंग एरिया में रखिएगा तो सबसे अच्छा होता है। तीन नंबर में जेड प्लांट, ये तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। जहाँ इसको रखिएगा वो जगह का लुक चेंज कर देता है और बहुत ही इजी है। इसको थोड़ा पानी का ध्यान रखना पड़ता है, आप कटिंग से लगा दीजिए तो ये इजीली चल जाएगा। चार नंबर में अपराजिता, ये एक फूल वाला पौधा है, एक ठो बेल होता है इसका, कुछ भी सहारा लगा दीजिए ये चढ़ते रहता है। ठंडा के समय थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो बाकी समय ये बहुत सुंदर चलता है। इसका बहुत सारा वैरायटीज आता है, सिंगल पेटल, डबल पेटल, कलर भी इसका बहुत आता है, सफ़ेद रंग, नीले रंग, लाइट पिंक। तो देखिए कितना सुंदर लगता है। पांच नंबर में हरसिंगार, ये भी एक फूल पौधा है लेकिन ये वृक्ष तरह बन जाता है। अगर इसको ज़मीन में लगाया जाए तो बड़ा सा पेड़ बन जाता है। अगर गमला में लगाइए और कटिंग करते रहिए तो ये बहुत सुंदर रहता है। इसमें छोटा छोटा सफ़ेद रंग का फूल आता है, इस फूल का बहुत खुशबू होता है, रात के समय खिलता है और सुबह होते होते ही झड़ जाता है। ये पारिजात के नाम से भी परिचित है। छः नंबर में बैम्बू, ये बैम्बू का ही एक वैरायटी है, ये बहुत इजी है, एक बार लगा लीजिए तो अपने आप घना होते जाता है और देखने में भी सुंदर है, घर के लिए भी शुभ है। सबका लास्ट में सात नंबर में मैं बोलूंगी धूप घास का पौधा, ये पौधा हमारा घर के लिए बहुत अच्छा होता है, पूजा का भी काम में आता है, गणेश भगवान को, लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। बस आज तक के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ एक नया टॉपिक के, तब तक के लिए बाय बाय।